हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन इनसे कैसे लगते हैं ये ज़रूर से बताइएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वो क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों इतरा रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, आखिर वजह क्या है। दोस्तों, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर इससे पहले भी इस टॉपिक पे कई वीडियो बनाए हैं, तो समय के साथ साथ मूड बदलता रहता है लोगों का। तो चलिए आज के समय की बात जान लेते हैं इस क्वेश्चन के ज़रिए, मतलब इस वीडियो के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है लव से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हो। सवाल अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। सवाल सिर्फ लव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो नंबर दिए गए थे चूजिंग के लिए, क्या आपने चूज कर लिया है। चलिए फिर मिलते हैं आंसर में। वन नंबर वालों आंसर क्लियर करते हैं। वन नंबर पर आंसर है, वो अभी आपको अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो अभी आपको अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत जल्दी बात करेंगे जब भी उनको एहसास होगा। टू नंबर का आंसर देखेंगे। टू नंबर पर आंसर है, उनके लाइफ में आपसे पहले जो था वो बात नहीं करने दे रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। थ्री नंबर का आंसर देखेंगे। थ्री नंबर पर आंसर है, उनको आपकी और उनकी फैमिली का डर है। बारी आ गई है फोर नंबर के आंसर को जानने की। तो जिसने भी चूज किया है फोर नंबर आंसर है, वो अब आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उनके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें, मैं तो यही कहना चाहूंगी। वैसे भी जो आपसे बात ना करे, जो आपकी मतलब वैल्यू ना समझे, जो आपको अहमियत ना दे, आप उसे क्यों मतलब पीछे पड़े हो, आप उसके क्यों पीछे पड़े हो, आप क्यों उसे मतलब वैल्यू दे रहे हो, है ना। तो उसे कोई और बात करने लगा है, ठीक है, समझ जाइए। फाइव नंबर का आंसर।